ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो ऊपर ही क्या जिसमें माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साड़ी ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली ना हो। जोरदार ताली से स्वागत टू अलकायंस व्लॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मायरा का फंक्शन है, सब रेड एंड वाइट थीम का सब पहने हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि एंकरिंग कैसी हुई, थोड़ी डांस वांस कैसी हुई, सब कुछ बताना आप लोग। चलो चलो रेडी करो। देखो पूरा रेडी हो रही है पार्लर वाले से। लगता है मम्मी को सबसे ज़्यादा सुंदर लगना है पार्टी में, क्या मम्मी? हाँ। सबसे ज़्यादा सुंदर लगना है क्या? गुची की हालत ख़राब है, उसको फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके पैर जो है वो लंगड़ा रहे हैं ना गुची। मम्मी देखो मेहंदी चाट रहा है, सुंदर लगना है इसलिए भी मेकअप करवा रही है। देखो फ्रूट्स खिला रहे, देखो कैसे खिला रहे, देखो बच्चा की तरह, देखो 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 मुझे लग रहा है, देखो आई शेडो लगवा रही है, मेकअप काफ़ी अच्छा भी है, फाउंडेशन लग रहा है, क्या गोरी हो गई तुम यार, मेकअप का कमाल देखो, चमक गई यार। लेकिन मुझे एंकरिंग करना है तो मेरे को और कुछ लिखना होगा, तालियों के लिए लाइंस, ये वो मामा लोग के लिए लाइंस, बहन लोग के लिए लाइंस। चलो लिख लेते हैं, हम एंकरिंग प्रैक्टिस करते हैं। मुझे चक्कर आ जाएगा, अभी इतना लंबा स्क्रिप्ट तो लिख दिया है, बिना देखने बोलने में मज़ा आता, बट कुछ कुछ शायरी जो देख के ही बोलना पड़ेगा। बाकी मैंने ये पेज तो पूरा याद कर लिया अभी जस्ट। मम्मी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, आगे का लुक दिखाऊंगी तो आप तो गिर जाओगे यार। ये देखो मम्मी का हेयर स्टाइल कितना प्यारा है, और ये मेरी बहन लेके इतना रोज़ याद होगा आपको, हेयर स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखो मेरी मम्मी भी मेकअप लगा, तो मम्मी खिलखिला उठेंगी देख रहे हो। यहाँ पे मम्मी का साड़ी भी बहुत ज़्यादा, कब कहाँ तक पहुँचा देखो, ओह टॉफी टॉफी अच्छी लग रही हो तो पूरा एकदम ध्यान से इसका मेकअप किया जा रहा है। हाँ हेलो मम्मी का फ़ोन है, ये बचपन का फ़ोन मुझे बहुत याद आता है। मेकअप करेंगे देखो, फटाफट करते हैं, मेरा सामान पूरा खिंडा हुआ है, ऐसा कभी सुंदर बनाया जाएगा, बहुत सुंदर बन गई है। देखो भाई मेरा सामान खिंडा है, कुछ बोलना मत। मम्मी आपका बाल बहुत सुंदर लग रहा है और साड़ी तो और ज्यादा सुंदर लग रहा है, फटाफट आपका मेकअप रखना, मुंह बंद रखना मम्मी, आप बहुत चप 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 करने लगेगा। पूछते मम्मी को किसने दिया था, मम्मी ये ज्वेलरी किसने गिफ्ट किया था आपको, अलका अग्रवाल ने, है ना? मैंने मम्मी को ये ज्वेलरी गिफ्ट किया था, आज पहनी है, सुंदर है तो मैच कर रहा है। स्वीट 16 लग रही है ना मम्मी। सो गाइस मम्मी का मेकअप हो चुका है, देखो मुझे रेडी नहीं होने देगी, कोई मुझे रेडी नहीं होने देगा यार, अभी तक मैं रेडी हुई नहीं। अरे हो रहे हैं पापा ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हैं, मम्मी तो पहले ही रेडी होगी फटफट करके, बहन भी रेडी होगी, तो मैं और पापा बना रहे हैं, क्या होगा देखो। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, फिर हम टर्न करेंगे, आप ऐसे हाथ दो हाथ फिरो और ऐसे उठेंगे, मेरा कपड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है? चलो डन, फटाफट अप कर लेते हैं रेडी, मैं भी नहीं हुई हूँ, फटाफट हो जाए। फिट पहनने वाली हूँ, एक प्लेन व्हाइट कलर की कुर्ती है, साथ में ये चुन्नी है, तो मायरा का फंक्शन है, व्हाइट एंड रेड थीम है, तो हम यही व्हाइट कलर का, हाँ काट सकता है टैग, वैसे तो मेरे पास व्हाइट कलर का लहंगा भी है, बट यार लहंगा तो मैं संगीत में पहन ही रही हूँ इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ, अभी थोड़ा कुर्ती पहनती हूँ सिंपल सा। तो आज मैं एंकरिंग भी करने वाली हूँ, आ रही है मेरे घर के पास से ही आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है फंक्शन, मेरे को तो एंकरिंग करनी जल्दी पहुँचना होगा, मैं आज अच्छे से मेकअप भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत लेट कर दिया रेडी कर करके, मम्मी और सबको रेडी किया ना उसमें मुझे लेट हो गया, ऐसे फटाफट हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ थोड़ा। बहन ने बहुत हैवी पहना है, तो गाइस देखो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, हेयर स्ट्रेट करके तो अच्छा लग ही रहा है। बाकी हम परफ्यूम लगा लेते हैं फटाफट, एंड कुछ मैं सोच रही हूँ हैवी इयररिंग्स पहन लेती हूँ, ज्वेलरी वगैरह, ताकि और अच्छा लगे, है ना, देने के लिए मैं सोच रही हूँ ये ज्वेलरी वेयर कर लेती हूँ, साइड से लिया था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, आपको याद होगा ये पहन रेडी यार, ये इयररिंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पापा इधर आओ, पापा इधर आ गया आओ, मेरे पापा इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे, सॉरी हैंडसम लग रहे, क्या बताऊँ, देखो पगड़ी के साथ तो हम हैं राजस्थानी, वाओ। आउटफिट देख सकते हो, आज मैं करने वाली हूँ एंकरिंग, तो इसमें सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत याद कर लिया, थोड़ा बहुत मुझे देख देख के ही बोलना पड़ेगा, मेरे पापा काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, पापा इधर देख लो, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आवाज़ आ रहा आपको, चुप हो गई मेरे बोलते ही, गणेश जी के नाम से हम करते आज का प्रोग्राम प्रारंभ। पापा चलो, ढोल बज गया, डिंग 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 डिंग।
बादाम का शेक लिया है, बहुत टेस्टी है। जय श्री कृष्णा। धूमधाम से आए हैं मायरा भरने आज, गाजे बाजे ढोल नगारे सज रहे हैं साज, प्यारी बन्नी का मंडा है ब्याह, आप सभी को बधाई। जैसे हर काम की शुरुआत गजानंद के साथ करते हैं, आज इस काम की शुरुआत भी हम जय गणेशा से करेंगे। मैं मनोकामना करती हूँ कि आप सभी के काम काज सफल हो। हम आज का शुरुआत गणेश वंदना से करेंगे। हमारी प्यारी बच्ची आरुही आज गणेश वंदना करेंगी। जोरदार से तालियां बजाएं आरुही के लिए। इधर से कोई ताली नहीं बजा रहे हैं तो जोरदार तालियां बजाएं काकी के लिए, जिन्होंने टुमक टुमक के पूरा दुनिया हिला दिया है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं, कुछ रिश्तों का कभी जोड़ नहीं, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आप दोनों की तरह अनमोल नहीं। जोरदार तालियां बजाएं रेणुका के लिए। जाए बनी तर चांद सरी सो मुकड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ो हलवे हलवे चल। वो ऊपर ही क्या जिसमें माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली ना हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरा और मेरी बहन का। अरे ताली बजाने में इतना कंजूसी मत करो, अभी मेरा ही डांस है ना। बैठा हुआ है मेरा, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, फोन चार्ज भी कर लिया व्लॉगिंग के लिए। चलो फिर से चलते हैं, पास में है ना, तो दिक्कत नहीं है यार, आओ जाओ फटाफट, है ना। खांसी आ रही है ना, मान जाओ। तो गाइस देखिए, ये काफी तितुआ ना हारी पी रही है सू, और कैसे मजा लेने की पी रही। सो गाइस देखिए, सोनू जा तो कहाँ दिख रहा है, उधर दिख रहा है। सो गाइस देखिए क्या हो रहा है। मेरी गाइस ये रही।
सो गाइज उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना पास्ता बनवा लिया जाए। सो बहुत ही टेस्टी था पास्ता, और दो तरह का पास्ता था। मैंने ये लंबे वाले पास्ते को लिया, इसको पेनी पास्ता बोलते हैं आई थिंक। एंड यहाँ पे मैंने मिक्स सॉस पास्ता बनवाया, यहाँ पे ब्राउनी लिया और पास्ता लिया और बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। यहाँ पे मेरी बहन को मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया, आप उसको भी देख लो। तो ये रही हमारी ब्राइड टू बी। तो अभी ये कान काटने वाली है दीदी केक। केक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वाइट कलर में, एंड डेकोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देख रहे हो पूरा रॉयल वाली डेकोरेशन की फीलिंग आ रही थी। और ये बारबी डॉल को मन करता ले लूँ। और मेरा बाबू को देखो यहाँ पे। आने वाला है, कल मिलते हैं और एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ। अगर कुछ भूल हुई तो माफ कर देना, थोड़ा मजाक मत बनाना मेरा यार। करती हूँ यार जितना हो पाता है कोशिश करती हूँ, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना, ठीक है।